अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरा, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे कि साउथहैम्पटन से क्रिकेट से मुतल्लिक क्या खबर है। तो हम आपको बताते चले हैं, साउथहैम्पटन टेस्ट चौथे रोज का खेल भी बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। वीडियो की तफसीलात पर जाने से कबल हम आपसे इल्तमास करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम आपको बताते चलें कि साउथहैम्पटन पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के चौथे रोज सिर्फ 10.2 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। इससे कबल तीसरे दिन का खेल भी बारिश के बायस खत्म कर दिया गया था और तीसरे दिन एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी। टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 236 रन बना सकी। आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान थे जिन्होंने 72 रन बनाए। गुज़िश्ता रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। दूसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तानी टीम ने 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 223 रन बनाए थे। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड ने 4, जेम्स एंडरसन ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि करन और वोक्स ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। इंग्लैंड की इनिंग्स शुरू हुई तो पहले ही ओवर में शाहीन शाह आफरीदी के एक बेहतरीन आउट स्विंगर ने बंस को दोबारा पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। बारिश से कबल चौथे रोज खेल के अख्ताम तक सिबली और करोली विकेट पर मौजूद है और इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाए हैं। आज पूरा दिन मैच शुरू होने से कबल हम अपने नाज़रीन को साउथहैम्पटन क्रिकेट ग्राउंड से अपडेट कर रहे थे कि आज के दिन का खेल मुमकिन हो सकेगा और वैसा ही हुआ। मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, लाइट अच्छी थी, लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो 10 ओवर के बाद बारिश का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया और खेल के इख्तिताम तक वेट आउटफील्ड बैड लाइट की वजह से दोबारा से क्रिकेट के जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है उसमें ये हायल हो गए। अब बैड लाइट और बारिश का कम्बिनेशन ऐसा बना, इनकी पार्टनरशिप ऐसी लगी कि ये जो दूसरा मैच है ये ड्रा की जानिब जा रहा है। कल भी यही माहिरीन ने इसकी पेशगोई की है कि कल भी बारिश होगी और हम उम्मीद करते हैं कि कल के दिन का खेल मुमकिन हो, ताकि जिस तरह ये ज़बरदस्त पिच है, जिस तरह हमने आज 10 ओवर पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉलिंग करते देखा, कल नसीम शाह, शहीन शाह, आफरीदी, मोहम्मद अब्बास की ज़बरदस्त बॉलिंग को हम इंजॉय करेंगे। तमाम नाज़रीन से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम तर खबरें, तमाम मालूमात सबसे पहले आपको मिल सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।